जाइए। मैं कहाँ सर? कमिंग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। बैठ जाइए। थैंक यू सर। उमेश जी। यस सर। सिवान के रहने वाले आप? यस सर। गुड। सिवान के कोई ऐतिहासिक व्यक्ति जिसको आप जानते हैं? दो व्यक्ति का नाम बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मजहरुल हक। मजहरुल हक। यस सर। क्या था इनका बिहार कांग्रेस में योगदान? सर अगर मजहरुल हक का, मजहरुल हक की बात करें तो इन्होंने 1921 में मदरलैंड का पब्लिकेशन किया था और असहयोग आंदोलन में सर इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया था। सदाकत आश्रम से कुछ सदाकत आश्रम की स्थापना भी की थी 1921 में। इन्हीं के जमीन पर बना था शायद। पटना गया रोड है सर। इन्हीं के जमीन पर बना था शायद। खैरुमिया का वो जमीन था सर। हिस्ट्री ऑनर्स भी है। यस सर। कब किया? 2008 में। 2008 में सर। आठ, इतना लंबा गैप, काफ़ी टाइम ले लिया आपने। सर मैंने 2010 से 20 तक अबूधाबी यूएई में जॉब किया। अच्छा, एज एडमिन ऑफिसर। यस सर। किस पद पे जॉब कर रहे थे? एडमिन ऑफिसर के पोस्ट पे जॉब कर रहा था मैं। किस कंपनी में कर रहे थे? सर वहाँ पे अलोताइबा इंटरप्राइजेस ग्रुप है, वो ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिसमें मोर देन 18-20 कंपनीज उसमें शामिल है। अच्छी सैलरी भी मिलती होगी आपको? बिल्कुल सर। तो फिर और आगे जाना था वहीं से, इधर आने का कोई पर्पस? सर प्राइवेट जॉब में एक ये है कि स्टेबिलिटी नहीं है, फैमिली से दूर रहना पड़ता है और 2010 से पहले मैं सिविल सर्विसेज के बारे में ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहा था लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन थोड़े से विपरीत थे तो मैं चला गया। यूएई के कुछ अमीरात हैं सुनते हैं। यस सर। 700 से। 700 से। यस सर। शारजा का नाम सुना है? यस सर। शारजा से जुड़ा हुआ कुछ क्रिकेट की घटना है? यस सर। शारजा फेमस घटना, क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पे। वो तो है, वो तो ठीक है। कुछ क्रिकेट का कुछ हुआ था कुछ? सर अभी रिसेंटली सचिन तेंदुलकर के नाम पे एक वेस्टर्न गेट का नाम रखा गया है वहाँ, शारजा स्टेडियम। बहुत पहले कोई हुआ था वहाँ पर मैच फिक्सिंग वगैरह कुछ शारजा में? सर हुआ होगा, अनफॉर्चुनेटली मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ या शायद मेरी नॉलेज में ना। अच्छा, हिस्ट्री में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या रोल है? सर हिस्ट्री में सबसे पहली बात तो वो संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष बने थे और प्रथम राष्ट्रपति भी बने। अच्छा, कांग्रेस में कोई रोल? कांग्रेस में सर 1934 और 1939 त्रिपुरी अधिवेशन के टाइम में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद अध्यक्ष बने थे। चंपारण का क्या है? चंपारण में भी सर, चंपारण सत्याग्रह में भी सर तीनकथिया प्रणाली का समापन हुआ, 1/4 जो कर था उसको रिटर्न किया अंग्रेज़ों ने और चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का गठन किया उसमें। हॉबी आपका चेस है? यस सर। चेस खेलते भी हैं? यस सर। डी बुकेस का नाम सुना है? डी बुकेस। यस सर। कौन है? सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं अभी। इनकी जो सर टूर्नामेंट तो मैं याद नहीं कर पाऊँ लेकिन उन्होंने जो रेटिंग है वो भारतीय ग्रैंड मास्टर में टॉप पे हैं, उनके बाद अभी विश्वनाथन आनंद आ गए हैं। अच्छा, सब खेल का सबसे बड़ा अवार्ड है हमारे यहाँ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसको ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है ना। यस सर। पहला कौन था चेस से जुड़े हुए व्यक्ति? विश्वनाथन आनंद को दिया गया था 1991 में। अच्छा, वेरी गुड। अभी एशियन गेम हुआ है? यस सर। हो रहा है अभी? यस सर। अभी उससे जुड़ा हुआ कोई जुड़ी हुई बड़ी खबर बताइए। सर इसमें चीन पहले नंबर पे है और भारत चौथे नंबर पे है अभी का फिलहाल, यही अपडेट्स मैंने देखा था न्यूज़ में सुना था। अच्छा, चेस कहाँ से आया? इसकी उत्पत्ति भारत में हुई, कहीं से आया था चेस? सर चेस की अगर हम साक्ष्य की बात करें तो लोथल गुजरात में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं और जो
प्राचीन काल की बात करें तो गुप्त काल से इसकी प्रारंभ मानी जाती है, उसके बाद अरबों तक गया, वहाँ से यूरोपियन तक गया। कभी शतरंज के खेल को नेगेटिव रूप में लिया जाता है कि शतरंज खेल रहे हो मेरे साथ, तुम शतरंज की विशाल विशादी है, ऐसा क्रिकेट को लेकर नहीं कहा जाता, फुटबॉल को लेकर नहीं कहा जाता, शतरंज को लेकर हमने शतरंज के विशाल पर तुम्हारा पैर है, याद रखो भूलो मत, कब तुम्हें मात मिल जाएगी। सर शतरंज को लेकर ऐसा क्यों कहा जाता है? सर ऐसा इसलिए कहा जाता है कि उसके एक स्टेप कई बार राजा रानी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होते हैं, तो ये बेसिकली एक मिस्टेक को इंडिकेट करता है कि छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। गुड, आप पटना से हैं? यस मैम। बिहार के कुछ क्रांतिकारियों के नाम बताइए। मैम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, जयप्रकाश नारायण। फीमेल में जयप्रकाश नारायण की वाइफ प्रभावती देवी, और मैम है लेकिन याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं, सॉरी। पोस्ट प्रेफरेंस आपने बताइए। पोस्ट प्रेफरेंस मैम मेरा है पहले नंबर पे बीएस, उसके बाद बिहार एजुकेशन सर्विसेज और सीटीओ। अच्छा, आप वहाँ रहे हैं तो उधर के और इंडिया के कल्चर में आपने कितना डिफरेंस देखा है? मैम यहाँ के कल्चर में मैंने देखा कि बेसिकली मैम यहाँ पे लोग कल्चर को ज़्यादा ये करते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अब चीज़ें थोड़ी सी यूरोपियन के साथ और जो पश्चिमी सभ्यता है उनके साथ थोड़ी सी मिक्स हो रही है, ट्रेडिशन थोड़ा सा चेंज हुआ है। इंडिया में भी मैम नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो बहुत कुछ चेंज हुआ है, साउथ इंडिया में अभी भी हमारी जो पुरानी कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको फॉलो किया जा रहा है। एजुकेशन पॉलिसी भी आपकी नई आई है। Yes, आप बोले हैं कि आप सेकंड प्रेफरेंस दिए हैं एजुकेशन सर्विस को, तो किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करेंगे बेटर तरीके से? मैम जो सबसे पहले गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले उसको बेहतर समझना ज़रूरी है, क्योंकि अभी मुझे उसकी ज़्यादा समझ नहीं है, तो मैम उसको पहले मैं समझने के लिए कोशिश करूँगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपको जानकारी नहीं? पॉलिसी के बारे में मैम जानकारी है, लेकिन उसके क्या इंस्ट्रक्शन है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करें, उसके बारे में एज एडमिनिस्ट्रेटिव क्या अलग है इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? मैम इसमें एक तो अलग ये है कि जो 3 to 6 ईयर तक का है फंडामेंटल एजुकेशन की बात करें जो मातृभाषा में होना चाहिए, 6 स्टैंडर्ड से हम बात कर रहे हैं कि व्यावसायिक जो एजुकेशन है वो दिया जाएगा। उसके बाद मैम जो कॉलेज लेवल का एजुकेशन है उसको 9th के बाद ये किया गया है, और कॉलेज लेवल में मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट ऐसे सब प्रावधान है। बंगाल से बिहार 1912 में अलग हो जाता है, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को क्या ऐसा लगा कि वो अलग सेपरेट राज्य की मांग की और बिहार अस्मिता पर करकर वो बिहार राज्य की स्थापना के बारे में बोले? सर अगर उस टाइम की हम हिस्ट्री की बात करें तो जो बंगाली थे, जो बंगाल निवासी थे, वो बिहारी को थोड़ा सा उतना प्रेफरेंस नहीं करते थे और उनके साथ भेदभाव के तरीके से व्यवहार किया जाता था, तो इसमें महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा ये घटना तो इंग्लैंड की है सच्चिदानंद सिन्हा के साथ। सर यहाँ पे जहाँ तक मैं मुझे याद आ रहा है कि 1894 में एक बिहार टाइम्स का पब्लिकेशन किया गया था, उसके माध्यम से बिहार को बिहार की मांग को काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया गया था, और उसका रिजल्ट सामने आया कि 22 मार्च 1912 में घोषणा कर दी गई और 1 अप्रैल को गठन कर दिया गया। ये मार्लो मिंटो एक्ट में सर मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो क्या देश का विभाजन है इसी को एक्ट को मांगे आधार मान के किया गया क्या? सर मार्लो मिंटो सुधार के बाद जो 1916 का जो कांग्रेस लीग पैक्ट हुआ था लखनऊ में, तो सर बेसिकली वहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लिया कांग्रेस ने, तो सर ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से एक नींव पड़ गई थी इसकी। अच्छा,
पूना पैक के बारे में कुछ बताइए। सर ये 1932 में हुआ था और ये सर दलित प्रतिनिधित्व को लेके ये गांधी जी और अंबेडकर बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, उसमें सीटों को बढ़ाया गया था। मध्यकालीन इतिहास में एक सुल्तान के बारे में बताइए जिनका बराबर कंट्रोवर्सी ग्रुप में आपको पेपर या मैगजीन या टीवी पर डिबेट आते रहते हैं, कौन सा सुल्तान है? सर कुछ न्यूज़ तो अकबर के बारे में भी आते रहते हैं मध्यकालीन में, अगर बात करें तो अकबर के बारे में। अकबर के बारे में आप उनके नीतियों के बारे में चर्चा कीजिए सर। वो लिबरल क्यों थे सर? उनके बारे में वो लिबरल शासक थे, वो औरंगजेब के वंश पर देखा जाए तो उनका शासन प्रशासन भी बढ़िया रहता है और सबों को साथ लेके चलना करता है, तो क्या उनके पास ये विचार कहाँ से आया सर? पृष्ठभूमि कैसा रहा उनका? सर जो उनसे पहले वाले शासक थे उन्होंने हिंदू राष्ट्र में हिंदू के अगेंस्ट काम किया, और लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन हिंदू की थी तो हिंदू के सहयोग के बिना प्रशासन और राज्य व्यवस्था का संचालन करना डिफ़िकल्ट था, तो इस चीज़ को भली भांति समझते हुए एक दूरदर्शी के भांति डिसीजन लेते हुए अकबर ने यह निर्णय लिया कि जो राज्य व्यवस्था है, जो प्रशासन है, उसमें हिंदू की भागीदारी बेहद ज़रूरी है, और इसी को कंसीडरेशन करते हुए ये सब नीतिगत निर्णय लिए, जैसे राजपूतों को अपने प्रशासन में शामिल करना, उनके कल्चर को अपनाना, अपने दरबार में उनके रीति रिवाज को करना, दिवाली मनाना, इन सब चीज़ों को शामिल किया। अकबर की तौहीद इलाही है वो क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। वो एक नया धर्म के बारे में बोला, लेकिन नया धर्म चलाना चाहते थे, इस्लाम के समानांतर खड़ा करना चाहते थे और अपना वो पैगंबर साबित करना चाहते थे, तो उसमें सुनते हैं कि 22 लोग उनके मानने वाले लोग हैं, एक हिंदू खाली बिरबल माने, तो ऐसा क्यों उनके प्रयास सफल नहीं हो पाया? सर जो 1582 में दीने इलाही आया था तो बेसिकली उनका कोई ऐसा नहीं था कि एक पार्टिकुलर धर्म को स्थापित किया जाए, लेकिन उनका मानना था कि जो सभी धर्मों में जो अच्छे सद्गुण हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए एक बेहतर समाज की परिकल्पना की जाए। ठीक उमेश जी। यस सर।